Hey guys, welcome to InCut video tutorials. इस वीडियो में हम अपना प्रोजेक्ट नंबर 19 करेंगे जो कि है एनी टेक्स्ट ऑन डॉट मैट्रिक्स. तो जो कनेक्शन है वो हमारा वही पुराना डॉट मैट्रिक्स का जो कनेक्शन है वही होता है कि जो नॉर्मल कनेक्शन है डिन को 12 नंबर पिन से कनेक्ट करिए, क्लॉक को सीएल के क्लॉक को आप कनेक्ट करिए पिन नंबर 11 से, सीएस को कनेक्ट करिए पिन नंबर 10 से, और उसके बाद एक इसमें लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करना होगा. बाकी जो उसमें वीसीसी और ग्राउंड है उसको वीसीसी को 5 वोल्ट से, ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करना है. ये आप देख सकते हैं मैंने कनेक्शन करके रखा है पहले से. और इस प्रोजेक्ट में हमें एक मैक्स मैट्रिक्स लाइब्रेरी का ज़रूरत पड़ेगा जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये डाउनलोड करने के लिए आप इस कोड को स्कैन करिए. इस कोड का आप स्कैन करेंगे तो आपको एक ड्राइव खुलेगा गूगल ड्राइव में. ये सारा जो आपने अभी तक हमने जो किया था, टाइमर मास्टर ऐड किया था, लेट कंट्रोल मास्टर ऐड किया था, आर्डिनो मैट्रिक्स, मैक्स मैट्रिक्स लाइब्रेरी मास्टर है ये जो अभी अब हम ऐड करेंगे, पॉन्ग गेम डॉट इनो, और ये एनी टेक्स्ट ऑन, ये एनी टेक्स्ट जो अभी हम कर रहे हैं, ये सारे फाइल्स इसमें सेव्ड हैं. तो आपको जो भी ज़रूरत है उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग आर्डिनो मैक्स मैट्रिक्स को डाउनलोड कर लेते हैं. इसको राइट क्लिक करिए, डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गया. आप डाउनलोड्स में जहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हुआ है वहाँ पे जाइए, और वहाँ पे जाने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए. एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो फाइल है इसको आपको रीनेम करना है. तो आप इसको रीनेम कर लीजिए मैक्स मैट्रिक्स पे. इसको रीनेम करने के बाद आप इसको कॉपी करिए, ओपन करके आप इसको एक बार ओपन करके चेक कर लीजिए. हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं मैक्स मैट्रिक्स डॉट सीपीपी और मैक्स मैट्रिक्स डॉट एच फाइल है यहाँ पर. तो आप इस चीज़ को कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद आप चल जाइए जहाँ पे आर्डिनो का आपका फाइल्स है, जो कि आप यहाँ पे आर्डिनो का जो शॉर्टकट है उसके ओपन फाइल लोकेशन में जाके खोल सकते हैं. फिर यहाँ के लाइब्रेरीज में जाके इसको पेस्ट कर दीजिए. ये परमिशन, एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन चाहिए होता है, तो इसको कंटिन्यू कर दीजिए. यहाँ पे ये पेस्ट हो गया. अब जो है अब हम आर्डिनो आईडी को फिर से ओपन करेंगे. वो जब तक आर्डिनो आईडी ओपन होता है, ये देख सकते हैं आप आर्डिनो आईडी ओपन हो गया. तो अब जो है आप एक काम करेंगे कि आप ये एनी टेक्स्ट ऑन डिमांड का जो फाइल है डॉट इनो फाइल, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए. इसको डाउनलोड करके जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसको आप कट करके डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए. ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है ऐड करने के लिए. और फिर उसको ओपन में जाके, आईडी के ओपन ऑप्शन में जाके डेस्कटॉप पे जाएं, और वहाँ से आप इसको ऐड कर लें. वो जो हमारा एनी टेक्स्ट का फाइल है उसको आप ऐड कर लें. ये परमिशन मांगता है टू क्रिएट द फोल्डर, टू क्रिएट एंड स्केच. और ये आप देख सकते हैं कि हमारा फाइल खुल गया. तो ये बेसिकली जो है हमारा कोड है. इनिशियली ये एक बड़ा सा आपको एरर दिख रहा होगा जो कि कॉन्स्टेंट अनसाइंड कैरेक्टर ये सीएच की है. इसमें क्या है कि हर कैरेक्टर के लिए जो ये चाहिए होता है, बाइनरी नंबर्स चाहिए होता है, वो इसमें पहले से सेव करके रखा गया है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले से हमने कैलकुलेट करके रख लिया कि स्पेस के लिए क्या चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए क्या चाहिए, नीचे आने पे लेटर्स के लिए क्या चाहिए. ये ऐसा करके हमने सब कुछ ये कोड में इनिशियली ये सब कुछ किया गया है. आपको क्या करना है कि कोड में चूंकि ये C++ और C का हायर कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, तो आप बस आपको जो नेम चाहिए होता है, जैसे यहाँ पे इनकार्ट किया हुआ है, तो आप इसको कुछ भी कर सकते हैं. ये इनकार्ट के जगह पे आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए उसको चेंज कर दीजिए, बाकी कोड एज इट इज़ वर्क करेगा. सबसे पहले कोड को वेरीफाई कर लेते हैं. कोड वेरीफाई हो चुका है, आप देख सकते हैं, और किसी तरह का कोई एरर नहीं है. तो अब हम कोड को अपलोड करेंगे.
और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इनकार्ट, आप देख, ये एक फ्लो में चलता आ रहा है इनकार्ट लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं आई से स्टार्ट हुआ, INKART। तो ये आप एक तरह से इनकार्ट यहाँ पे लिखा, तो जैसा कि मैंने बताया था आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से इसको ABCD कर देते हैं हम, इसको ABCD कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप ये यहाँ पे ABCD आ रहा है। आप अगर चाहें, आप अगर यहाँ पे चाहें तो इसको, इसका जो स्पीड है, शिफ्ट स्पीड, उसको भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से ये 300 है, इसको 100 करके चेक करते हैं क्या होता है। फिर से हमने कोड अपलोड किया, और आप देख सकते हैं कि आप जो है ये थोड़ा फास्ट स्क्रॉल कर रहा है। तो ये स्क्रॉलिंग स्पीड भी आप चेंज कर सकते हैं। ये लूप फंक्शन में प्रिंट स्ट्रिंग विथ शिफ्ट का ये जो फंक्शन है, इसमें आप स्क्रॉलिंग स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको C++ और C का अच्छे से आता है, पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते हैं, तो फिर आप इस कोड को बहुत आसानी से समझ लेंगे। एक बार ट्राई करिएगा, आप बहुत आसानी से समझ जाइएगा इस कोड को। इस कोड को समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जो भी टेक्स्ट डाल रहे हैं उसको आप अप्लाई करके उसमें चेक करिए कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, फॉर लूप में कैसे काम हो रहा है। उससे यहाँ पे डिले से क्या फ़ायदा हो रहा है, शिफ्ट लेफ्ट से क्या फ़ायदा हो रहा है, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। ये तो ये था हमारा प्रोजेक्ट नंबर 19। ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था डॉट मैट्रिक्स पे। डॉट मैट्रिक्स में दो, एक प्रोजेक्ट तो हमने खुद से किया था, दो प्रोजेक्ट हमने बस कोड को अपलोड किया है, क्योंकि ये एक तरह से फ़न के लिए है डॉट मैट्रिक्स का ज़्यादा। हाँ, तो इस प्रोजेक्ट को बस हमने फ़न के लिए इंक्लूड किया है। पिछला प्रोजेक्ट पोंग गेम और ये दोनों प्रोजेक्ट हमने फ़न के लिए बस इंक्लूड किया था। अगले प्रोजेक्ट से हम और ये LCD स्क्रीन को यूज़ करना सीखेंगे, तो LCD स्क्रीन को यूज करके हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।